हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकर एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। तो गाइस, अब हम विभक्ति सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़कर अब हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। इस विभक्ति की बहुत ज़्यादा डिमांड भी आई। मैंने इसके पहले प्रथमा से लेके पंचमी विभक्ति के एक एक वीडियो बना दिया है, तो फिर बाद में लोगों ने कॉमेंट्स किए कि सर षष्ठी और सप्तमी बनाएं, तो इसलिए मैं आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। षष्ठी विभक्ति क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है संबंध कारक, मतलब रिलेशन मतलब संबंध। आप समझते हैं किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध होना, रिलेशन होना। जैसे पिता और पुत्र का आपस में संबंध होता है, माता और पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, दोस्ती भी एक संबंध होता है। जो भी एक रिलेशन संबंध हम अपना समझते हैं, वो सब आता है षष्ठी विभक्ति में, संबंध कारक में। अब इसमें कई बार जैसे वही कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा याद रखने में हमारा जो संबंध षष्ठी विभक्ति होता है वो क्या होता है? अगर का की के या फिर रा री रे या ना नी ने, इससे संबंध व्यक्त किया जाता है जनरली इन शब्दों से, इसलिए इनको संबंध कारक कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम के पिता आते हैं, राम के पिता, तो राम जो राम है उनके कौन है? ये पिताजी हैं। तो राम में और मतलब राम आपका बेटा है, राम बेटा हुआ और उनके पिताजी, तो राम के, तो देखो काकी के, तो राम के, तो राम में आपकी षष्ठी विभक्ति आएगी। किसमें विभक्ति आएगी? राम में, पिताजी में नहीं आएगी। अब लोग कहते हैं कि सर जैसे आपने बताया राम और पिता दोनों का रिलेशन पिता पुत्र का है, तो राम में आ रहा है, पिता में क्यों नहीं आएगा? देखो एक कर्ता का काम करेगा, तो यहाँ पर जो है पिताजी जो है वो कर्ता का काम कर रहे हैं, क्योंकि राम के पिता आ रहे हैं, तो मेन कौन है? पिता। तो मीन सब्जेक्ट कौन है? पिताजी सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक कर्ता होता है, कर्ता जो होगा, देखो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की क्या बता रहे, रिलेशन बता रहे, लेकिन इनमें से क्या होता है? कर्ता होता है मेन, कौन होता है? कर्ता। तो राम के पिता आते हैं, तो राम में कौन सी विभक्ति आ जाएगी आपकी? षष्ठी विभक्ति। तो रामस्य पिता, तो राम पिता आते हैं तो आगच्छति, रामस्य पिता आगच्छति। समझ में आया? अब अगला देखते हैं। विद्यालय का भवन अच्छा है, तो विद्यालय का भवन, तो एक यहाँ पर भी एक संबंध है कि विद्यालय का ही कोई भवन, मतलब विद्यालय का भवन मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है वो अच्छी है, अच्छा है, तो विद्यालय का, तो इसलिए विद्यालय, ये भवन, मेन बात किसकी हो रही? भवन की हो रही है, तो भवन कौन हुआ? कर्ता। तो विद्यालय का, तो विद्यालयस्य, तो भवन में कौन सा आएगा? प्रथमा विभक्ति, तो भवनम अच्छा लग रहा, शोभनम अस्ति। समझ में आ गया? वेरी गुड। श्याम का मित्र हंसता है, तो श्याम का मित्र हंसता है, तो देखो श्याम का है वो कौन? मित्र। तो ये हो गया संबंध, मेन कौन है? मित्र। तो इसमें आएगा प्रथमा विभक्ति, तो श्याम का, तो श्यामस्य मित्रम अस्ति। समझ गए? आगे राम का बेटा वहां पढ़ता है। देखो बात यहाँ पर कैसे हो रही है कि पापा के द्वारा बेटे की बात हो रही है, बात मेन किसकी हो रही है? बेटे की हो रही है, तो बेटा कौन हुआ? कर्ता। तो राम का, तो राम का, तो राम, तो राम का मीन्स यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगी, और बेटे में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। तो अपन लिखेंगे रामस्य, तो राम का, तो रामस्य बेटा मीन्स पुत्र है, वहां मतलब तत्र पढ़ती, रामस्य पुत्र तत्र पढ़ती। अब देखिएगा, ये तो आपका षष्ठी विभक्ति होगा कंप्लीट, लेकिन मेन जो खेल हो जाता है, जो नियम कानून से अलग चलते हैं, वो होता है उपपद विभक्ति। हमने द्वितीय विभक्ति से लेके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, हर एक विभक्ति में हमने उपपद विभक्ति पढ़ी है, तो षष्ठी विभक्ति में भी हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। तो इसमें बस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा याद रखने वाली बात भी नहीं, वो सिंपल है कि अगर दो धातु हैं, एक स्मरय और एक दय, स्मरय मतलब याद करना और दय मीन्स दया करना, अगर ये दो धातु यहाँ, दो अगर धातु वहाँ पर आती हैं, तो वहाँ पर भी आपका षष्ठी विभक्ति आता है। जैसे राम माता को याद करता, वैसे भी यहाँ पर को है ही है, तो राम माता को याद करता, तो माता को कौन याद कर रहा है? राम। तो राम कौन हुआ? कर्ता। तो इसमें आगा प्रथम विभक्ति, तो राम है किसको याद कर रहा है? माता को। तो राम अम्बाया, माता की जो षष्ठी विभक्ति आई वो क्या होगी? अम्बया, अम्बया, ये मैंने आपको जो इसमें बताया हुआ इकारांत उकारांत में, याद करता है तो स्मृति। दे मीन्स दया करना, भगवान भक्त पर दया करते हैं, तो भक्त पर दया कर रहे हैं कौन? भगवान। तो भगवान करता हुए, तो भगवान है भक्त पर और भक्तस्य, और दया करते मतलब दयते। बस ये दो ही आपकी उपपद विभक्ति हैं। अब इसके बाद एक और मेन पॉइंट है
ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो उपपद विभक्ति आप समझ गए, आप विभक्ति भी समझ गए, षष्ठी विभक्ति क्या होती है, संबंध। तो इसमें एक और चीज़ है, अगर कोई चीज़ से दूर होना, से दूर और के पास, क्या याद रखना, से दूर और के पास। से दूर होगा तो गांव से दूर विद्यालय, तो गांव से कौन दूर है, विद्यालय, विद्यालय प्रथम विभक्ति है, तो ग्रामस्य दूरम विद्यालय अस्ति। शहर के, क्या शहर के पास मंदिर है, तो नगरस समीपम मंदिरम अस्ति। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दूर और पास में, मतलब आपका समीप में और दूरम में, जिन दोनों में ही आपका षष्ठी विभक्ति होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक ध्यान रखने वाली आपकी उपपद विभक्ति में स्मरे और दे आता है, तो आप इस तरीके षष्ठी विभक्ति यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी जिसका संबंध होता है, माता पिता मित्र जितने भी संबंध होते हैं, उन सब में आपका षष्ठी विभक्ति आता है। तो होप यू गाइस आपको ये षष्ठी विभक्ति समझ में आ गया होगा। अगर आपने इससे पहले प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, आपको एक एक मैंने फुल लेंथ वीडियो बनाया। अगर आपको ट्रिक वाइज देखना है तो आप ट्रिक वाइज भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।